नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। जब अपनी मशीन आपके शॉप फ्लोर पे आती है तो उसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस रहता है वो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस मशीन को इंस्टॉल कैसे करना है ये आज मैं अपनी वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें दो तीन पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि डाई फिटिंग करना, वायर डालना, उसको कटिंग करना, ये सारा हम इस आज वीडियो में सीखेंगे। अब पहला प्रोसेस जो है ये अपना जो मशीन है इसके अंदर डाई कैसे फिटिंग करनी है ये हम लोग आज सीखेंगे। ये देखिए, ये अपनी डाई रहती है, ये मेरे पास अभी जो डाई है ये 2 इंच वाला डाई है, इसको हम लोग आज इसके अंदर फिटिंग करेंगे मशीन के अंदर। ये मशीन के साथ आपको मिलता है, ये देखिए, ये जो डाई है ये इसमें जो वी ग्रू लगा रहता है इसके अंदर वो फिट होनी चाहिए। और ये जो रोलर्स है इनके सीध में आनी चाहिए, मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको इसी लाइन में वायर जाएगी, इसके मुंह में जाएगी, इसमें यहाँ पे और आगे जाएगी। अभी आप वायर डाई को टाइट कर दीजिएगा। कर देता हूँ टाइट। अब दूसरा सवाल ये रहता है कि वायर कहाँ से डालने का और वायर का स्टैंड कितना होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए। ये जो वायर का स्टैंड है ये यहाँ पे, मतलब कम से कम ये इतना दूरी है यहाँ तक का, एक 6 फीट का आप समझ लीजिए, 6 से 8 फीट तक का दूरी होना चाहिए वायर स्टैंड और मशीन के बीच में। अब हम देखेंगे कि वायर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। ये देखिए, ये वायर का सिरा है, 2.5 mm का ये वायर है, ये इसमें हम लोग अभी डाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक होल रहता है छोटा सा, इस होल में से वो वायर जाता है। ये टोटल 3 रोलर्स रहते हैं, ये 2 जो रहते हैं इनके नीचे से आएगा वायर और फिर ये बीच वाले के नीचे से आएगा, इन दोनों के ऊपर से आएगा वायर। यहाँ पे हमने उसको वायर को सेट कर लिया, ऐसा इसका नॉच बनाया और पट्टी के अंदर डाल दिया। अब हम इसका पावर सप्लाई चालू करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम इसको हाथ से घुमाएंगे ताकि थोड़ा सा वो आगे जा सके वायर। ये पूरा कूलेंट ऑयल यहाँ पे इस टैंक में जमा रहता है, टोटल यहाँ तक का आपको पानी फिलिंग करना है यहाँ तक, और इसमें 1.5 लीटर कटिंग ऑयल आपको डालना है और मशीन चालू करनी है। ये हो गया आपका, डाई भी अभी इसमें फिटिंग हो गई और वायर भी आपने इसमें अभी डाल दिया। और यहाँ पे आपको फिटिंग करना है ये स्टार्ट एंड स्टॉप का फॉरवर्ड रिवर्स का स्विच। अब ये मशीन चालू होने जा रही है। चालू कर, ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कटिंग कर दिए। ये जो आगे का सिरा है वो इतना ही आपको हर टाइम पे यहाँ पे रखना है और बाकी का कट करके देना है। चालू करो पूरा, बस आता कट मार, खाली ठेवा कड़ी, खाली ठेवा। ये देखिए, ये जो कड़ी है ये पूरा एकदम सीध में आ गया है अभी आपका। और नहीं करो, बस बस। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जायट डाई जो है ये थोड़ा सा सिर इसका ऊपर आ चुका है और वहाँ पे थोड़ा सा ये, मतलब ये देखिए थोड़ा सा तिरछा आ गया है,
अब हम इसको सीखेंगे कि एकदम सीधा में वायर का कैसे निकाले। अभी ये तो दिख रहा है तो सीधा ही दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। ये देखिए थोड़ा सा स्पाइरल है, उस साइड में झुका हुआ है। इसको अब हम लोग ठीक करेंगे। कैसे ठीक करना है अब देखेंगे। अभी हमने देखा कि वायर थोड़ा सा तिरछा आ रहा था, तो हम थोड़ा सा डाई को क्या करेंगे, सेट करेंगे। थोड़ा डाई को लूज़ कीजिएगा, डाई को लूज़ करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे। कौन से साइड में? ऑपोजिट साइड में। ये देखिए ये रोलर प्लेट है, इसके ऑपोजिट साइड में इसको घुमाएंगे और थोड़ा सा उस साइड में घुमाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इसने अभी पीछे ले लिया और इसको थोड़ा सा हाथ से घुमा दिया। ये देखिए अब ये है एकदम ऊपर की वाली पोजीशन में। अब इसको टाइट कर दीजिएगा। अभी इसमें जो थोड़ा सा वेस्टेज है जो कि तिरछा हुआ आया हुआ, तो हम उसको काट करके निकाल देंगे। कट मार। हाँ बस इतना जो है वो हम लोग इसका पिछले वाला था उसको निकाल देंगे। अभी फ्रेश ये वायर आ गया है, अब इसको देखते हैं कैसा आ रहा है। बस अब ये वायर को हम लोग देखते हैं कैसा आ गया है। ये देखिए ये अभी थोड़ा एकदम परफेक्ट आया हुआ है। यहाँ से देखेंगे इसको, एकदम सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए एकदम फ्लैट पोजीशन में है। ये जो है ज़मीन को एकदम फ्लैट रहना चाहिए, उस साइड का भी फ्लैट रहे।